गुरुग्राम पुलिस ने यूपी के अलीगढ़ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और संचालक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सेक्टर 51 में स्कूटी पर घूम रहे एक संदिग्ध युवक पर शक हुआ, जिसकी तलाशी लेने पर युवक से 2 अवैध हथियार बरामद हुए। वहीं गैंता से पूछताछ करने पर उसने अपने 2 अन्य साथियों के भी नाम बताए, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों के द्वारा एक टीम गठित कर अलीगढ़ में आरोपियों की निशानदेही पर एक मकान में छापेमारी हुई, जहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार और उपकरण बरामद किए गए, जिनके बल पर आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसमें हमारी पुलिस को एक एक्यूज यहाँ पे एक किसी आदमी पे शक हुआ था कि थोड़ी उसकी हरकतों से या जिस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा था कि सेक्टर 51 के एरिया में, एंड उसके फिर हमने तलाशी ली गई। मोहित बंसल नाम का व्यक्ति था, जिससे एक असला बरामद करा उसके पास से, और फिर जब उससे फर्दर पूछताछ करी तो उसने बताया कि उसके पास एक और असला, अवैध असला रखा हुआ है उसकी स्कूटी के अंदर। तो इस तरीके से उससे 2 वेपन्स की रिकवरी हुई। फिर उससे जब और गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपने 2 साथियों के और नाम बताए। फिर जब इन दोनों से पूछताछ और गहनता से की गई, तीनों से, तो इन्होंने बताया कि ये लोग अलीगढ़ से ये वेपन लेकर आए थे। कहाँ से वो वेपन लेकर आए, तो रवि नाम का व्यक्ति था जो एज अ मीडिएटर था, जिसको थोड़ा बहुत कमीशन उसमें मिलता था, और उसने फर्दर एक और नरेंद्र शर्मा करके एक्यूज बताया। और नरेंद्र शर्मा के प्रेमाइसिस में जब रेड करी गई तो पता चला कि वही इस तरीके के कट्टे, देसी कट्टे बनाता था, और उसका काफ़ी बड़े स्केल पे इस चीज़ का काम चल रहा था। तो जब उस प्रेमाइसिस, जिसके लिए एक FIR भी दर्ज करी गई है यूपी पुलिस ने, और उसमें जो रिकवरी हुई है वो करीब 3 कट्टे वहाँ पर चालू हालत में मिले हैं, 315 बोर के, और बैरल मिली है 32 बोर की, 14 बैरल बनी थी, मतलब जो अल्टीमेटली वेपन बनता जिनका, और बैरल 315 बोर की भी 23 बैरल मिली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 40 के आसपास ऐसी चीज़ें मिली हैं जो वेपन बन सकते थे फ्यूचर में, जिनका एक तरीके से नाजायज वेपन बन के यूज़ हो सकता था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी नरेंद्र जो की फैक्ट्री चला रहा था वो अभी अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम लाया जाएगा, ताकि मामले में कई और बड़े खुलासे हो सके। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब KCTV।